Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon in New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. अभी हमारे एक दर्शक का प्रश्न आया था कि क्या राइनोप्लास्टी के बाद नोज में फिलर डलवाए जा सकते हैं. तो देखिए, इसका मतलब ये कि उन्होंने शायद सर्जिकल राइनोप्लास्टी कराई है और इसीलिए उनके मन में ये आया है कि भाई क्या फिलर डलवा सकते हैं. तो अब उनके मन में विचार क्यों आया कि फिलर की ज़रूरत पड़ सकती है? उसका सीधा कारण ये कि उन्होंने जहाँ से भी राइनोप्लास्टी कराई है, शायद वहाँ पे परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिला जो वो चाहती हूँ. और या ये हो सकता है कि डॉक्टर ने अपनी पूरी कोशिश की, उसके बावजूद भी कुछ इरेगुलरिटीज, थोड़ा बहुत डिप्रेशन वगैरह नाक में रह गया हो. अब नेचुरली सर्जरी के बाद आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है. अगर आपको कुछ टचअप प्रोसीजर करना है, या सर्जन ये कहता होगा कि भाई अभी ये रहने दीजिए, साल भर बाद देखेंगे, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस होता है, उसमें भी टाइम लगेगा. तो उनका जो सोचना है, जो हमारे दर्शक का उनका सोचना अपनी जगह सही है कि क्या फिलर डलवाना चाहिए या डाला जा सकता है. तो मेरा मत है कि यस, डाला जा सकता है. देखिए, अगर एक सर्जरी आपने करा ली, आपकी नाक अच्छी हो गई, सुंदर हो गई, लेकिन आपको लगता है कि कहीं छोटा सा डिप्रेशन है या कहीं पे थोड़ा सा और फिलिंग की ज़रूरत पड़ सकती थी या करनी चाहिए थी, ये नहीं हुई किसी कारण से, कार्टिलेज कम पड़ गया डॉक्टर के पास, तो यस, उस जगह पे आप फिलर करवा सकते हैं. फिलर से क्या होगा कि वो जो इरेगुलरिटी है आपकी, वो करेक्ट हो जाएगी. आपका जो डिप्रेशन है वो आपका भर जाएगा. हो सकता है टिप पे जो प्रोजेक्शन कम आ रहा, वो भी आपका आ जाएगा. तो ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, ये डेफिनेटली फिलर जो है उस आपकी सुंदरता को और निखारेगा. हम लोग सर्जन हैं, हम दोनों ही चीज़ें करते हैं, सर्जिकल राइनोप्लास्टी और नॉन सर्जिकल भी करते हैं. तो ये ज़रूर है, अगर आपके मन में कुछ लगा है कि कोई थोड़ी कमी रहेगी, तो आप अपने कॉस्मेटिक सर्जन से मिलिए, वो जो भी छोटी मोटी कमी रहेगी वो फिलर्स के साथ साथ दूर कर सकें. आजकल फिलर के साथ साथ फैट भी डाली जा सकती है, फैट भी डाल सकते हैं आपके सर्जन जो है. तो ये चीज़ें हैं, इसमें आप शर्माइए नहीं. और मुझे लगता है कि आपके सर्जन भी शायद एग्री करेंगे कि वो फिलर से दूर कर सकते हैं, अनलेस उनके मन में कुछ और प्लान हो आपके लिए, या उनको लगता है कि आपको वेट करना है. अगर ऐसा है तो आप वेट कीजिए. लेकिन अगर सर्जन को भी लगता है कि हाँ, जो चीज़ है वो इससे ज़्यादा इंप्रूव नहीं करेगी, तो आप फिलर डलवा सकती हैं. अगर आप दोबारा सर्जरी नहीं करवा सकती या करवाना नहीं चाहती, या आपके जितने पैसे नहीं कि सर्जरी दोबारा करें, तो आप उसमें फिलर डलवा सकती हैं. इसमें कोई नुकसान नहीं है, फिलर आपको कोई नुकसान नहीं देगा, ये पक्की बात है. मतलब जो फिलर के अपने भी साइड इफेक्ट्स है, वो चीज़ हैं, लिमिटेशंस, वो अपनी जगह है. लेकिन इस अपने रिजल्ट को सुधारने के लिए आप फिलर का सहारा ले सकती हैं. दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी, एक दूसरे को ऐड करेंगी. तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ, तो आप जो भी कॉस्मेटिक सर्जन जिन्होंने आपकी सर्जरी की है, आप उनके पास जाएं, उनसे डिस्कस करें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपके जो भी प्रॉब्लम उसको सुधारेंगे, फिलर के द्वारा या किसी और चीज़ के द्वारा. तो इसमें कुछ घबराने की बात नहीं. अगर आपको फिलर डालने का, शायद उन्होंने कहा फिलर डलवाइए, और आपके मन में शंका आई है कि डलवाना चाहिए कि नहीं, तो मुझे लगता है कि आप डलवाइए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है. और इसके अलावा भी अगर इस समस्या से रिलेटेड आपके मन में कोई भी प्रश्न है, तो आप हमें लिखिए. मुझे बड़ी खुशी होगी आपकी किसी भी समस्या का समाधान करने में. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि भविष्य में भी हम इसी तरह आपसे कॉस्मेटिक सर्जरी के विभिन्न विषयों पर बात करते रहें और आप लोगों के साथ जुड़े रहें. थैंक यू वेरी मच.